गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी એની અંદર આજે આપણે પાઠ 2 દયાનું શિકારી જે કહાની ભણ્યા હતા, બરાબર છે? દયાનું શિકારી કી કહાની પડી ઓર ઉસકે બાદ ભી હમને યહ ભી હમ બાતોની કછુઆ કી ભી કહાની દેખી, તો આજ હમ બુદ્ધિમાન કૌવે કી કહાની દેખેંગે. તો બુદ્ધિમાન કૌવે મેં દેખતે હૈં કી देखो, आप लोग छोटे थे तो आपको मम्मी पापा कौवे की कहानी सुनाते थे कि एक जो गुजराती में कोई कागड़ो हतो एने बहुत सरस लागी हती, बराबर. ए उड़तो उड़तो जंगल में जतो हतो, एने पानी की खूब सरस लागी हती. एक घड़ो जोयो, एनी अंदर पानी खूब ऊंडो हतो. ए ऊंडा पानी थी ए पानी चोरानी चांच नाखी सकतो न हतो. तो एने एक युक्ति सूझी के आजूबाजू घना बदा पत्थर था, ए पत्थर ने एक 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 एने अंदर नाख्या अने धीमे धीमे पानी ऊंचो आयो. एनी चांच सुधी पानी पहुंच्यो, ए पानी पीने उड़ी गयो. आम रीतना एने बुद्धि चाली. तो एवी ज रीते अहींया भी हिंदी में कहानी है. तो देखते हैं, एक कौवा था. एक बार उसे खूब प्यास लगी, उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया. आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा. हाँ, एक झोपड़ी के पास वह आ पहुंचा. वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया. घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचा था. कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी. पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा. हाँ, इधर उधर देखा, पानी ऊपर लाने के लिए उसने एक उपाय सोचा. वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे. उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया. आसपास बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे, कंकड़ों को डालना शुरू किया. वो कंकड़ यानी पत्थर के कारण वह पानी घड़े के मुंह तक आ गया. कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया. यही कहानी है. इसका शीर्षक है बुद्धिमान. तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे आ बुद्धिमान कौवानू स्वाध्याय तमारा असाइनमेंटमांथी तमारी फेर नोटबुकनी अंदर लखवानू रहेशे. एवी ज रीते पण आगळ एक बीजी पण कहानी छे, कौवा और लोमड़ी. देखो पेज नंबर 4 पर कौवा और लोमड़ी ये भी कहानी हम देखते हैं कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट में ये कहानी का स्वाध्याय दिया गया है. आप लोग उसमें से देखकर ये दोनों कहानी है इसका स्वाध्याय आप लोगों को लिखना है. एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली. देखो कौवा और लोमड़ी की कहानी. एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली. वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा. इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई. उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी. पेड़ पर जाकर बैठा, उसको एक रोटी मिली. उसको वहां पर जाकर बैठा तो उसके नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी. उसके पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी तो उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी. उसके मुंह में पानी आ गया. उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ. लोमड़ी को लगा कि मैं कौवे को मूर्ख बनाकर उससे रोटी ले लूँ. लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना. लोमड़ी ने बोला, अब कौवा कोई गाना गाता है नहीं, उसकी बोली भी हमें अच्छी नहीं लगती. आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ कर उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए ये नाटक कर रही है. कौवे को सब पता चल गया. कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और बहुत जोर जोर से काव काव करने लगा. देखो कौवा भी बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था. तो उसने क्या किया, जो अपनी चोंच में रोटी थी वह अपने पैर के पंजे में ले ली और फिर जोर जोर से काव 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 बोलने लगा. यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई. हाँ, ये देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई. अरे यह कौवा तो समझदार लगता है ना. उसको मन ही मन लगा, ये कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चल गई. फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली. सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए. हमें कभी भी अपनी जो बड़ाई होती है वो सुनना भी नहीं चाहिए और उसको ऊपर अभिमान भी नहीं करना चाहिए. तो विद्यार्थी मित्रों, तुम्हारा असाइनमेंट के अंदर आनु स्वाध्याय तुमने आप
આપેલું છે, તો મહેરબાની કરીને તમે એમાંથી લખી લેજો.